हाय, आज हम बात करने वाले हैं अल्बिनिज्म के बारे में। अल्बिनिज्म, जिसे हम हिंदी में रंगहीनता या फिर सूरजमुखी भी बोलते हैं, हम आज देखेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेज हैं, इसका क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप आगे और किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो। तो चलिए हम जान लेते हैं आज अल्बिनिज्म के बारे में। अल्बिनिज्म, ये 17,000 में से किसी एक व्यक्ति के अंदर देखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो हमारे भारत में लगभग 1,00,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्बिनिज्म है। अल्बिनिज्म एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दैट कॉजेज स्किन, हेयर और आईज टू हैव लो और नो पिगमेंटेशन। अल्बिनिज्म इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद विजन प्रॉब्लम, आंखों से भी कम दिखाई देता है या कुछ और तरीके की विजन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जिस भी व्यक्ति को अल्बिनिज्म होता है, उनके अंदर मेलानिन कंटेंट या तो बहुत ही कम होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की इमेज में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ये लोग हैं, इन्हें अल्बिनिज्म है, इनका जो पिगमेंटेशन है, मेलानिन कंटेंट जो है, वो बिल्कुल भी नहीं है या फिर बहुत माइन्यूट है। इस कारण से इनकी जो हेयर्स हैं वो वाइट हैं, ठीक है, इनका जो स्किन है वो एकदम वाइट कलर में है क्योंकि इनके अंदर मेलानिन नहीं है। अब मेलानिन जो होता है वो एक तरीके का ऐसा पिगमेंट होता है जो बॉडी को कलर देता है। अगर मेलानिन कंटेंट बॉडी में जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा पर्सन का जो कलर है वो डार्क होगा, ठीक है। अगर मेलानिन कंटेंट कम है, दैट मींस कि कलर जो है वो धीरे धीरे करके जो है फेयर होता जाएगा, वाइट कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अगर बिल्कुल मेलानिन नहीं है, इसका मतलब है कि पर्सन को अल्बिनिज्म है। और मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि काफी हानिकारक रेज होती हैं जो सन से निकलती हैं और वो हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं। बट हमारे अंदर मेलानिन होता है तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट जिन्हें अल्बिनिज्म है उन्हें कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है, स्किन कैंसर की रिस्क। अल्बिनिज्म के क्या क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज हैं, हम वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण, म्यूटेशन हो जाना, ठीक है, जो जेनेटिक कोड है या जो जीन्स है उनमें म्यूटेशन हो जाना। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज हो जाना, ठीक है। दैट मींस कि जो एक सीक्वेंस चल रहा आ रहा था, उस सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ गया, कुछ चेंज आ गया, इस कारण से जेनेटिक कोड बदल गया, ठीक है। 1 in 70 पीपल थॉट टू कैरी जीन ऑफ अल्बिनिज्म, 70 में से एक व्यक्ति ऐसा होता ही है जिसके अंदर अल्बिनिज्म का जीन प्रेजेंट हो। नाउ द जीन इन क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन बाय मेलानोसाइट्स इन द स्किन एंड आईज। अब क्या होता है, म्यूटेशन होता कैसे है, मेनली क्या होता है, एक एंजाइम होता है ट्रायोसाइनेज एंजाइम या फिर ट्रायोसिन 3 मोनोऑक्सीजेनेस, ये बोल सकते हैं हम इसको, उसके ये दोनों नाम है। ये एंजाइम सिंथेसिस करता है मेलानिन फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रायोसिन। अब म्यूटेशन पर डिपेंड करता है कि मेलानिन प्रोडक्शन या तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा या फिर वो स्लो डाउन हो जाएगा। गेटिंग मी, या तो मेलानिन का प्रोडक्शन जो है इट कैन ईदर बी स्टॉप्ड और कैन बी स्लो डाउन। जैसे ही मेलानिन का कंटेंट बॉडी में कम होगा, वैसे ही विजुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, आंखों से दिखना जो है वो कम होने लगेगा। मेलानिन प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है, वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व पाथवे फ्रॉम आई टू ब्रेन। इसीलिए अगर मेलानिन कम होता है तो विजन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अल्बिनिज्म कई तरीके का हो सकता है, तो आपको मैं यहाँ पे टाइप्स बता रही हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक स्पेसिफिक जीन अफेक्ट होने के कारण से अलग अलग तरीके का अल्बिनिज्म देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है ऑक्यूलोक्यूटेनियस अल्बिनिज्म। अब इस तरीके के अल्बिनिज्म में क्या होता है, दिस इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन 1 of 4 जीन, ठीक है, इज फर्दर स्प्लिट इनटू 7 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन म्यूटेशन। तो यहाँ पे आपको टाइप दिख रहे होंगे, ओसीए टाइप 1, ओसीए टाइप 2, ओसीए टाइप 3, ओसीए टाइप 4, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हो तो। बाकी बस ऑक्यूलोक्यूटेनियस ओसीए अल्बिनिज्म में यही होता है कि उनमें से कोई एक जीन, 4 में से कोई एक जीन जो है वो स्प्लिट कर जाता है 7 अदर पार्ट्स में। दूसरा आता है
हरमैंस्की पोडलक सिंड्रोम। ये एक तरीके का ना रेयर वेरिएंट है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कुछ थोड़ा सा ऑक्युलोक्यूटेनियस अल्बिनिज्म की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, बॉबल, हार्ट, किडनी एंड लंग्स डिसीज या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया ज्यादा देखने मिलते हैं जिन्हें अल्बिनिज्म है। साथ में अगर मतलब ये एक अल्बिनिज्म का टाइप ही है तो उसमें अगर इन्हें हरमैंस्की पोडलक सिंड्रोम हो जाता है तो उन्हें ये सारी डिसीजेज जो हैं, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स डिसीज या ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में मैंने आपको शायद बताया होगा कि कट लगने से ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ये भी डिसऑर्डर आपको देखने मिल सकता है जिसे हरमैंस्की पोडलक सिंड्रोम है। दूसरा आते हैं हम एक्स लिंक्ड ऑक्यूलर अल्बिनिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जीन म्यूटेशन होती है एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, कहाँ पे होती है, एक्स क्रोमोसोम में। इसको हम एक्स लिंक्ड ऑक्यूलर अल्बिनिज्म मेनली जो है मेल्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है, मेल्स को अफेक्ट करता है। विजन प्रॉब्लम होती है, बट आई हेयर एंड स्किन कलर इज जनरली नॉर्मल रेंज, जो आई स्किन और हेयर कलर वो नॉर्मल रेंज का होता है, लेकिन विजन प्रॉब्लम इसमें देखने मिलती है, मोस्टली मेल्स में ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम शेरिएक हिगाशी सिंड्रोम। इस ये भी एक रेयर टाइप का है अल्बिनिज्म। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है CHS1 जीन में, म्यूटेशन कॉज होती है। ये भी ऑक्युलोक्यूटेनियस की तरह होता है, बट हेयर्स कैन अपियर सिल्वरी, जो बाल होते हैं वो सिल्वरी कलर में होंगे। स्किन कैन बी लाइटली ग्रे, ग्रेश कलर में हो सकती है। देयर मे बी डिफेक्ट इन द व्हाइट ब्लड सेल्स मेकिंग इन्फेक्शंस मोर कॉमन, ठीक है, कि व्हाइट ब्लड सेल्स में डिफेक्ट हो सकता है जिस कारण से मोर प्रोन टू डिसीजेस, डिसीजेस के लिए मोर प्रोन हो जाते हैं। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि अगर किसी को अल्बिनिज्म है, दैट मीन्स कि उनको अल्बिनिज्म के साथ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन्हें झेलनी पड़ेंगी पूरी जिंदगी। उन्हें एक तो वो वीक होते हैं, इम्यूनिटी इनकी वीक होने वाली है, विजन इनका क्लियर नहीं होने वाला है, साथ ही में उन्हें और भी जो जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि वो यूवी रेस से प्रोटेक्ट नहीं रहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें हमेशा अपने आप को पूरा कवर करके रहना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं हार्मफुल यूवी रेस से। तो अल्बिनिज्म इज लाइक एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमेशा उसकी वजह से कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। दे हैव टू बी मोर केयरफुल, हमेशा उन्हें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। अब हम अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि भाई क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो स्किन, हेयर और आई कलर और विजन, ठीक है, ये चार चीज़ें जो है वो अलग देखने को मिल सकती हैं। स्किन जो है सबसे ऑब्वियस साइन है कि स्किन का कलर लाइटर टोन का होना, ठीक है, किसी किसी लोगों में क्या होता है स्किन कलर मैटर नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है कि स्किन कलर धीरे 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 करके क्या हो जाए, स्किन टोन जो है थोड़ी सी डार्क हो जाए जैसे जैसे एज बढ़े, ठीक है। अब अगर जो अल्बिनिज्म है जिन्हें जिनके स्किन का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, अगर वो लोग सन में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे मोल्स हो सकते हैं, यूजुअली पिंक कलर में हो जाते हैं क्योंकि पिगमेंटेशन जो है उनमें कम होती है, तो उनकी स्किन पूरी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, लार्ज फ्रिकल लाइक स्पॉट्स उनकी स्किन पर देखने को मिलेंगे, काफ़ी सेंसिटिव स्किन होती है उनकी, तो अगर धूप में निकलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। और हाई रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, क्योंकि मेलानिन नहीं है जिसकी वजह से जो यूवी रेस है वो डायरेक्टली बॉडी में एंटर हो रही हैं और जो स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धूप से बचें, और धूप में अगर आप जाते हैं तो फुल प्रोटेक्शन के साथ में जाइए, कवर होके जाइए, सनस्क्रीन का यूज़ करिए जिससे कि आप हमेशा यूवी रेस से प्रोटेक्टेड रहें। दूसरी चीज़ आती है हेयर्स, बाल की अगर हम बात करें तो बाल जो हेयर्स हैं वो वाइट टू ब्राउन इस कलर के हो सकते हैं, और जो अफ्रीकन और एंशियंट एंसेंट वाले हैं उनके येलो या ब्राउन या फिर रेडिश हेयर भी देखे जाते हैं, और एज के साथ साथ हेयर कलर भी जो है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है। अगर हम आई कलर की बात करें तो इनके आंखों का कलर भी ब्लू से लेके ब्राउन तक वेरी करता है, ठीक है, ब्लू से लेके ब्राउन तक अलग अलग कलर हो सकता है। लो लेवल ऑफ मेलानिन इन द आयरिस means that the eyes can appear slightly translucent, ठीक है, translucent type की इनकी eyes हो सकती हैं, ठीक है। अब इनके अंदर photo sensitivity देखी जाती है, क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इनके अंदर melanin नहीं होता है, तो iris जो है वो
सन रेज से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इन्हें धूप में बहुत ज्यादा फोटो सेंसिटिविटी होती है, धूप में आंखें भी नहीं खुल पाते, काफी ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम होती है। अब आप विजन की बात करें तो विजन हमेशा एल्बिनिज्म में अफेक्ट करता है, और इसमें क्या हो सकता है कि न्यू बॉर्न में जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसका विजन बहुत ही खराब होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 6 महीने हो गए हैं और फिर पूरा धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो क्या होगा, आई जो है वो धीरे धीरे उनका विजन अच्छा होता जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर किसी को एल्बिनिज्म है तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब चाइल्ड की बर्थ हुई है तभी डॉक्टर ये नोटिस कर लेता है कि लैक ऑफ पिगमेंटेशन है बालों में, आई लैशेस में, आईब्रोज में, हर चीज में, तो डॉक्टर क्लोजली एग्जामिन करके आपको बता देगा कि जो बच्चा है उसे एल्बिनिज्म है। अगर एल्बिनिज्म के टाइम पे किसी भी बच्चे को नोज ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा ब्रूशिंग होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं जिसमें हरमिंस्की बुडलक सिंड्रोम या फिर शेडविक हिगाशी सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो बहुत ही रेयर है, ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत ही रेयर है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिंड्रोम सभी में देखने को मिले, बट अगर ऐसा किसी को देखने मिलता है तब फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस आसानी से आप फिजिकल एग्जामिनेशन आप सामने देखोगे, पिगमेंटेशन अलग है तो डॉक्टर आपको देख के ही बता देगा कि किसी भी बच्चे को जो है एल्बिनिज्म है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका कोई क्योर नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसका कोई भी क्योर नहीं होता है। ट्रीटमेंट जो है वो मिनिमाइज जरूर कर सकता है कि थोड़ा सा कम कर दे, और आप अपने बॉडी में जो भी चेंजेस हैं उनको देखते रहें, आई प्रॉब्लम्स जो है वो भी थोड़ी सी कम करी जा सकती है कि विजन आपका अच्छा कर दिया जाए, जैसे कि ग्लासेस लगा के, डार्क ग्लासेस पहन के आप अपने आयरिस को, रेटिना को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रेगुलर आई एग्जामिनेशन कराइए, जैसे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर आपको एटलीस्ट आने वाली प्रॉब्लम से बचा के रख सकता है। साथ ही में अल्बिनिज्म एक चीज मैं बता दूं, एज के साथ में वर्स्ट नहीं होता है, बल्कि एज के साथ में धीरे धीरे करके मेलानिन का कंटेंट बढ़ता जाता है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट हाँ थोड़ी बहुत जो है बॉडी में चेंजेस आएंगे, और इसकी वजह से ना तो किसी का एजुकेशन में कोई अफेक्ट होगा, ना एम्प्लॉयमेंट में कोई अफेक्ट होगा, किसी भी चीज़ में अफेक्ट नहीं होने वाला है। तो भले इसका क्योर ना हो बट एज के साथ में ये थोड़ा सा बेटर होता जाता है, आप अपने आप को बेटर फील करोगे, विजन भी अच्छा होता जाता है, और साथ ही में आपको प्रिकॉशंस हमेशा लेके रखने हैं क्योंकि थोड़े से सेंसिटिव होते हैं एल्बिनिज्म जिन्हें भी होता है। तो So these are the references from where I have taken few material and few images. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को खूब सारा शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। So thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed the video, और ऐसे और वीडियोज बहुत जल्दी जल्दी आते रहेंगे। So thank you so much for watching this video. See you soon.